मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्ता हमारा। ये बातें आपने आज़ादी के दशक के काल से ही सुनी होगी और ये यही वाक्य है जो जितने भी भारतीय लोग हैं उनकी जुबान पे बढ़ चढ़ कर बोलता है, इस वाक्य की तूती बोलती है। लेकिन वर्तमान राजनीतिक का जो संदर्भ है वो अलग है। जहाँ संप्रदाय की बात आती है तो यहाँ आकर के कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों में और राजनीतिक दलों की विचारधाराओं में और उनके जो अधिकारी होते हैं उनकी बातों में कहीं ना कहीं इन इस बात के पटल पर कहीं ना कहीं सभी में भिन्नताएं दिखती है। यही वाक्य है लेकिन मौजूदा संदर्भ में बात बदल गई है। अभी के संदर्भ में अगर विस्पी के नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर की माने तो उनका कहना है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये सबसे झूठा वाक्य है। मजहब खूब सिखाता है आपस में बैर रखना। मजहब सिखाता है कि अगर कोई आपकी बात नहीं माने तो उसे काट दो, रेप कर दो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा मजहब ये सिखाता है कि पत्थर में भी भगवान होता है, हमारा मजहब ये सिखाता है कि हर चीज़ में देवता है। उन्होंने कहा कि 500 साल पहले ही तुलसीदास ने लिख दिया था कि जड़ चेतन सब में भगवान का स्वरूप है, सब में भगवान है। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं जहाँ एक राज्य के भीतर सभी समुदाय के लोग रहते हैं वहाँ अगर आप ऐसी बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरे धर्म की भावना को आप आहत करते हैं और ये बातें कहीं ना कहीं गलत भी। और इस बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक हरिभूषण ठाकुर के इस बयान के बाद बिहार में सियासी भूचाल मचना तय ही था और मच भी गया। आरजेडी नेता और विधान परिषद के सदस्य सुबोध राय ने कहा है कि इस बयान में कोई हैरत अंगेज करने वाली कोई भी बात नहीं है, ये तो बीजेपी का एजेंडा रहा है जिसे बीजेपी बिहार में आगे बढ़ा रही है। देखने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार इस पे क्या करते हैं। ये बात कहना था आरजेडी के विधान परिषद सदस्य जो हैं सुबोध राय, उनका कहना था कि इसमें जो है कोई हैरत अंगेज करने वाली बात नहीं है, इसे उन्होंने बीजेपी का एजेंडा करार दिया। और उन्होंने कहा कि इसी एजेंडे पर, इसी जो एक रूल रेगुलेशन पर, इसी रूल बुक पर, इसी रोड मैप पर बीजेपी बिहार में आगे बढ़ रही है, ये आरोप था आरजेडी की ओर से। लेकिन इस पे कांग्रेस भी कहा चुप रहने वाली थी। कांग्रेस की ओर से प्रेमचंद्र मिश्रा, जो आपको विधान परिषद सदस्य हैं प्रेमचंद्र मिश्रा, उन्होंने कहा ऐसे बयान देने वाले लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, बीजेपी विधायक के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। हरिभूषण ठाकुर ने जो बयान दिया है वो बीजेपी की कार्य संस्कृति का हिस्सा है, बीजेपी दिन भर तो झूठ ही बोलती रहती है, इसलिए बीजेपी विधायक ने ऐसा कहा कि आपको बता दें कि हरिवंश, उन्होंने आरोप लगाया, प्रेमचंद्र मिश्रा ने आरोप लगाया कि हरिवंश हरिभूषण ठाकुर जो हैं, जो बीजेपी से बीजेपी के विधायक हैं, नवनिर्वाचित विधायक हैं, वो ऐसा ही बोलते रहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान की जो है उनके लिए जो अच्छी बयान की बात करें, इस तरह के बयान की कोई जगह जो है लोक संस्कृति में नहीं है। इसके साथ ही प्रेमचंद्र मिश्रा ने ये आरोप लगाया कि ये बीजेपी की संस्कृति रही है, बीजेपी का एजेंडा रहा है। यही बात आरजेडी के विधान परिषद के सदस्य सुबोध राय भी कह रहे हैं कि बीजेपी इसी रोड मैप पे तो बिहार में आगे बढ़ रही है, इस बयान में कोई हैरत अंगेज कर देने वाली, हैरत में डाल देने वाली बात नहीं है। उसके साथ उन्होंने कहा ये देखना होगा कि नीतीश कुमार ने जो बात कही कि संप्रदाय जो जो अगर बात करें जो राज्य के भीतर जो आपसी जो मत जो बात करें जो आपसी सामंजस्य की स्थिति है, सभी धर्मों के बीच जो सौहार्द की स्थिति है, ऐसे कोई भी व्यक्ति जो इसे डिस्टर्ब करता है, इसमें कहीं फूट डालने की कोशिश करता है, तो नीतीश कुमार ने ये बात कहा था, जीरो टॉलरेंस नीति के अनुसार उन्होंने कहा था कि वे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि क्या ऐसे लोगों से नीतीश कुमार संधि रखेंगे, ये एक बड़ा सवाल होगा। ये सवाल सुबोध राय ने उठाया है, आरजेडी के आपको विधान परिषद के सदस्य हैं, साथ ही साथ प्रेमचंद्र मिश्रा कांग्रेस के विधान परिषद के सदस्य हैं, उन्होंने भी इस पर करारा हमला बोला है। अब देखना ये होगा कि बिहार का ये सियासी हलचल कहां जा करके दम लेता है। तो खबरों का सिलसिला लगातार भारत लाइव पे जारी है, बिना मिलावट की खबर के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत लाइव। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।